गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5th मैथ्स चैप्टर 13। तो आज हम आगे देखेंगे, हमने अगले वीडियो में पेज नंबर 173 तक देखा था। उसमें मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट कराया था, बी तक किया था और सी और डी आपको होमवर्क में दिया है। आज हम देखेंगे आगे करुण्या कॉन्ट्रैक्टर, तो उनका फार्म है करुण्या हैड किप द वर्क टू प्रिपेयर 3 गार्डन। उसने क्या किए हैं, 3 गार्डन प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं। तो उसका स्केल मार्क दे दिया है कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है। तो यहाँ अलग अलग गार्डन का दे दिया है, तो हमें उसका एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो किस तरह से आप ढूंढोगे, तो सभी की लेंथ और ब्रेथ दे दी है, तो गार्डन ए का पहले हम देखते हैं। तो सभी का हमें क्या करना है, पीछे देखा दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द 3 गार्डन। तो हमें तीनों का क्या करना है, एरिया ढूंढना है। तो हम आगे पढ़ चुके हैं लेंथ और ब्रेथ दे दी हो तो एरिया ढूंढना हो तो क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ गार्डन लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम तीनों का ढूंढेंगे, तो पहले लिखते हैं करुण्या द कॉन्ट्रैक्टर। तो ए नंबर का पहले गार्डन देखते हैं, गार्डन ए की बात करते हैं, उसका हम एरिया ढूंढते हैं पहले। तो देखो उसकी लेंथ और ब्रेथ इस तरह से दे दी है, 27 मीटर और 28 मीटर। तो हमें उसका एरिया ढूंढना है, एरिया यानी बीच का पोर्शन। तो एरिया ढूंढना है तो हम पहले एरिया ऑफ गार्डन लिखेंगे, गार्डन गार्डन का एरिया ढूंढना है ना, तो गार्डन ए का एरिया ढूंढते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, 27 इनटू 28 बराबर। तो हमें डायरेक्ट नहीं आता है, तो स्टैंडिंग में करो। अब इसको मैं अलग कर दूंगी, 20+8 जो मैंने फॉर्मूला दिखाई है वो उसका यूज कर रही हूँ। अब 27 को 8 के साथ करेंगे, फिर 20 के साथ 20 बराबर। तो 27 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 8 7 56, 5 ऊपर, 8 2 60 60 और 5 21, 260। और इसका करते हैं तो 0 पहले करते हैं, 0 है, 27 2 7 14 का 4 और 1 ऊपर, 2 2 4 and 1 यानी 5 यानी 540। तो इसका एडिशन करते हैं तो 6 5 7, तो 756 स्क्वायर मीटर हुआ। कितना आया स्क्वायर मीटर में है, यानी हमें पीछे क्या लिखना पड़ेगा, आंसर कितना आया, 756 स्क्वायर मीटर। क्यों स्क्वायर मीटर लिखा, जब एरिया ढूंढते हैं तो पीछे स्क्वायर मीटर लिखना जरूरी है। अब हम क्या ढूंढेंगे, गार्डन बी का, गार्डन बी, तो उसका क्या है वो देख लेते हैं। तो उसके बाद लेंथ और ब्रेथ दे दी है, तो वो कितनी है, 36 मीटर एंड 12 मीटर। तो उसका एरिया ढूंढना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 36 इंटू 12 बराबर। तो हम स्टैंडिंग में करेंगे 36 इंटू 12, तो 12 को अलग करो 10+2 बराबर, तो 36 इंटू 2 एंड 36 इंटू 10
36 into 10 to 0 or 36 1 plus 36. 2, 7 plus 6 कितना होगा? 30, 3, 1, 1. यहाँ कुछ नहीं है 0, 3 plus 1, 4. यानी 432 square meter आया. 432 square meter. बराबर. अब देखो C का ढूंढते हैं. गार्डन सी बराबर, तो उसका कितना है वो देख लेते हैं. 27 मीटर और 19 मीटर बराबर, तो उसका हम एरिया ढूंढते हैं. तो एरिया ऑफ गार्डन सी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 27 इनटू 90 बराबर. 27 इनटू 90 करो तो अलग करो 10 प्लस 9 बराबर. फिर क्या करना है? 27 इनटू 9 एंड 27 इनटू 10. तो 27 इनटू 9 करो साइड में तो कितना आता है? 9 7 63, 6 ऊपर, 9 2 18, 18 में 6 ऐड करो तो 24. 18 में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 24 प्लस 2 0 रखेंगे और 2 से 27 बनता है 27. 3 का 3 7 प्लस 4 करो यानी ये 1 1 ऊपर, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 530 स्क्वायर सेमी सॉरी 30 स्क्वायर मीटर एरिया आया. तो ये सभी क्या हुआ? सभी का एरिया हुआ. इस तरह से एरिया ढूंढना था. तो हमने एरिया ढूंढ लिया. अब आगे देखेंगे. तो अब देखो एरिया हमने ढूंढ लिया. तो एरिया क्या आया था? एरिया ऑफ गार्डन का 756 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ गार्डन बी का 432 स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ गार्डन सी का 513 स्क्वायर मीटर. तो हम आगे देखते हैं. तो उसमें क्या है आगे? ही केप्ट द वर्क ऑफ गार्डन ए एट द रेट ऑफ 95 रुपीज फॉर अ स्क्वायर मीटर. तो जब उस खेत में काम कर रहा था तो उसका रेट था स्क्वायर मीटर का 95 रुपीज. यानी 1 स्क्वायर मीटर का कितना था? 95 रुपीज था. गार्डन बी एट द रेट ऑफ 110 फॉर एज अ स्क्वायर मीटर. एक स्क्वायर मीटर का कितना था गार्डन बी में? एक स्क्वायर मीटर का भाव कितना था रेट? 110 रुपीज. एंड गार्डन सी एट रुपीज 120 फॉर अ स्क्वायर मीटर. तो जो गार्डन सी था उसका भाव प्राइस कितना था? रेट 120 रुपीज. तो हमें यहाँ एक स्क्वायर मीटर की प्राइस दी है. हमने यहाँ पे कितने स्क्वायर मीटर की दी है? 1 स्क्वायर मीटर की दी है. हमें टोटल हमारे पास कितने हैं? कितने स्क्वायर मीटर. तो उसका रेट कितना होता है वो हमें ढूंढना है. वो हमें क्या करना है? काम करने से कितना रेट मिलेगा वो हमें ढूंढना है. तो हम लिखेंगे पहले गार्डन ए का ढूंढे. क्या करेंगे? गार्डन ए का रेट ढूंढेंगे. तो लिखेंगे रेट ऑफ
हमारा एरिया कितना आया 756 इंटू रेट कितना था 95 रुपीज बराबर। तो हमें टोटल प्राइस कितनी होती है, टोटल अमाउंट वो हमें ढूंढनी है। तो हम स्टैंडिंग में करेंगे 756 इंटू 90 प्लस 5 कर दो 756 को 5 के साथ एंड 756 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 5 के साथ करते हैं इनटू 5 6 5 7 33 ऊपर 5 5 7 25 में 3 ऐड कर रहे हैं 28 ऊपर 7 5 7 35 और 2 ऐड कर रहे हैं 36 37 3780 आए बराबर। अब इसको करते हैं, पहले 0 है वो रख देते हैं, अब 9 के साथ करो 6 into 9 तो 6 9 54 5 ऊपर 9 5 45 45 में 5 ऐड करो यानी 50 5 ऊपर 7 9 63 63 में ऐड करो 5 तो 64 65 66 67 68 तो 6804 आया। अब इसको प्लस करो 0 8 प्लस 4 करो तो 12 बराबर। तो इसको अलग करते हैं तो 100 प्लस 10 प्लस 0 बराबर। तो पहले 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, सीधा 10 के साथ करेंगे और 100 के साथ कर देता है। पहले 0 के साथ करते हैं तो 30 ही आता है बराबर। 432 को 10 के साथ करो तो 0 लगा दो और 432 बनता 432। इसमें 2 0 है यानी 2 0 लगा दो और 432 बनता 432। अब इसको क्या करो प्लस 2 3 प्लस 2 5 4 प्लस 3 7 एंड 4 4 इतना हुआ 47,520 रुपीज हुए। 47,520 रुपीज।
टूटा है कारण सी का, बराबर। तो उसका रेट दे दिया है हमें, रेट ऑफ कारण सी बराबर कितना था, 120 पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर का इतना है। तो टोटल कितना है, 530 स्क्वायर मीटर है। सो अमाउंट ऑफ गार्डन सी बराबर एरिया इनटू रेट, रेट कितना है, तो एरिया कितना था 530 एंड 120 बराबर। तो इसको गिनते हैं, 530 इनटू 120 अलग करो, तो पहले जीरो के साथ करेंगे, फिर 20 के साथ करेंगे, फिर 100 के साथ करेंगे, तीनों के साथ करना है, जीरो के साथ करो जीरो आ जाएगा, फिर अब 2 के साथ करना है, 20 के साथ तो पहले जीरो लगा दो, एक जीरो है यानी, अब 2 के साथ करो मल्टीप्लाई, 3 2 6 2 2 2 1 2 5 2 10 बराबर। अब इसको करते हैं, तो 20 यानी 20 और 530 बराबर। अब एडिशन करो, 0 6 3 2 5 1 1 5 1 6 तो 61,560 रुपीस हुए, 61,560 रुपीस हुए बराबर। अब देखो क्या कहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी गेट फॉर हिज होल वर्क, सभी का कितना टोटल अमाउंट होता है तीनों का, तो गार्डन ए गार्डन बी और गार्डन सी तीनों का अमाउंट कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ गार्डन ए कितना आया था, 71,820, फिर अमाउंट ऑफ गार्डन बी तो उसका कितना आया, 47,520 बराबर। अमाउंट ऑफ गार्डन सी तो कितना आया, 61,560। अब तीनों का टोटल अमाउंट कितना है, तीनों का क्या करेंगे, एडिशन, 0 2 2 4 हुआ। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, आगे का नेक्स्ट